सभी को राम राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुज्जर कल्चर में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्लेरिल कॉमेडी टीम के बारे में, जिन्होंने अपनी देशी बोली को आगे लाते हुए आज YouTube पर बहुत नाम कमा लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम प्लेरिल के बारे में। प्लेरिल टीम ने अपनी कॉमेडी का ऐसा जादू फैलाया जिसे इन्हें आज के समय में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी लोग जानने लगे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में इनके संघर्ष से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इसे आप अंत तक देखेंगे। सबसे पहले हम आपको प्लेरिल टीम के सभी कैरेक्टर से मिलाते हैं। नितिन कुमार, डायरेक्टर प्लेरिल टीम। बलराज दायमा उर्फ मामा। मनोज दायमा उर्फ मोगली। सतीश दायमा उर्फ बाबा। आकाश दायमा उर्फ गुल्लू। आशीष कुमार उर्फ मजनू। सतबीर दायमा उर्फ टीटू। राहुल गुज्जर और माँ प्रसादो जो वीडियो में माँ का रोल करती हैं, इस देसी माँ को लोग बहुत पसंद करते हैं और उनकी आवाज तो मानो लोगों के दिल में घर कर गई है। ये सभी गुरुग्राम के एक गांव कादरपुर से ही हैं। प्लेरिल टीम ने अपना YouTube चैनल 30 जनवरी 2017 को बनाया। बलराज दायमा, नितिन कुमार और आशीष कुमार सभी एक जगह जॉब करते थे, तभी इनके मन में YouTube पर कॉमेडी वीडियो बनाने का ख्याल आया। तब इन तीनों ने मिलकर एक वीडियो बनाई जो फरवरी 2017 को YouTube पर अपलोड की गई। इस वीडियो को पहले सप्ताह में 700 व्यू मिले, जिससे इनको थोड़ा हौसला मिला तथा और वीडियो बनाने की सोची। फिर 3-4 और वीडियो अपलोड की गई, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और सिर्फ 800 सब्सक्राइबर ही इनके चैनल से जुड़े। इतनी मेहनत के बाद पॉजिटिव रिव्यू न मिलने से पूरी टीम ही डीमोटिव हो गई और अगले 1-2 महीने तक कोई वीडियो नहीं बनाई। तब डायरेक्टर नितिन कुमार ने अपने सोए हुए हौसले को फिर से जगाया और अचानक से अपनी टीम को बोले, चलो और वीडियो बनाते हैं। इसी हौसले के दम पर इन्होंने फरवरी 2018 में एक नई वीडियो बनाई, देसी स्टूडेंट वर्सेस टीचर, जिसने पहले सप्ताह में ही 50,000 व्यू पा लिए। इस सफलता को देखकर पूरी टीम खुश हुई तथा और वीडियो बनाने का फैसला लिया। इस साहस भरे फैसले से तो जैसे इनकी निकल ही पड़ी और इनके चैनल से सब्सक्राइबर जुड़ते चले गए। थोड़े ही दिन बाद इनकी और वीडियो आई, देसी पीपल ऑलवेज रॉक्स, देसी सिक्योरिटी गार्ड। इन वीडियो को भी अच्छे हिट मिले। अपनी सफलता को देखकर इन्होंने देसी स्टूडेंट वर्सेज टीचर का सेकंड पार्ट निकाला, जिसमें इन्होंने मनोज दायमा उर्फ मोगली को साथ लिया। मानो भाई मोगली तो इसी वीडियो के लिए बने थे और ये वीडियो भी चल निकली। इनके इस छोटे से परिवार ने जून 2018 तक 25,000 सब्सक्राइबर पा लिए। इस सफलता से अभिभूत नितिन कुमार और बलराज दायमा ने एक स्क्रिप्ट लिखी, देसी हूँ गवार नहीं, जिसमें बलराज दायमा उर्फ मामा ने अपने बड़े भाई सतीश दायमा उर्फ बाबा व अपने छोटे भाई सतबीर दायमा उर्फ टीटू और अपने मामा के लड़के राहुल गुज्जर को साथ लिया। जैसी मेहनत इन्होंने इस वीडियो के लिए की थी, उसी तरह ये वीडियो भी ऐसे ही चली। इस वीडियो को एक ही दिन में 15,000 लोगों ने देखा, इससे पूरी टीम खुशी से फूली न समाई। इसके बाद इन्होंने सभी वीडियो में देसी कंटेंट रखा और वीडियो बनाते रहे। ऐसा करते करते 24 नवंबर 2018 को इनके 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और YouTube की तरफ से इनको प्ले बटन गिफ्ट के तौर पर मिला, जिससे इनको और मेहनत करने का जज्बा मिला। इसके बाद तो मानो सफलता का दौर ही शुरू हो गया और इन्होंने देसी का प्यार सीरीज निकाली, जिसके 8 एपिसोड आए जो सभी हिट रहे। यहाँ पर देसी हूँ गवार नहीं का पार्ट 2 भी निकाला गया, जिसका एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ। अच्छा तो तुम लोग दूध देने आए हो ना? सफेद हैं, सब पकड़े है घर में, सब पकड़े। अरे क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक मजाक कुके तुम्हारी साड़ी लगे। चलो दूध दो। ऐसा करते करते जल्दी ही 2,00,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। तब इनकी एक वीडियो आई, देसी दुकानदार, जो बहुत अच्छी हिट रही और पलक झपकते ही इनके 2-4 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। आज इनके 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। टोटल 75 मिलियन प्लस व्यू हो चुके हैं तथा ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है।
वो दिन दूर नहीं जब इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे। इनकी टीम के इस हुनर को देखते हुए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली बायोग्राफी आप किस पर देखना पसंद करोगे कमेंट्स करके जरूर बताएं।